हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी एस होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि आई एस मई करंट अफेयर जो आता है उसका एग्जाम पॉइंटर है। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट जो है एक कंपाइल फॉर्म में दिया जाता है, जिसको मैं आप लोगों को कराऊंगा अभी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस और स्पोर्ट्स और मिसलेनियस जो भी शामिल है करंट अफेयर से लेकर, आपको जो है सारे इस एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छी जो है आपकी लगातार जो एग्जाम पॉइंटर मैं हर महीने डालता रहता हूँ, तो उसमें क्या है कि आपके धीरे धीरे जो है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, नए नए फैक्ट्स जो है आपके पास कलेक्ट होते रहते हैं। और उसके बाद जो है करंट अफेयर मैंने करवाया है, 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो है मई महीने का वो मैंने करवा दिया है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। और जो है वन लाइनर भी मई का मैं करवा दूंगा इस वीडियो के बाद, जो है वन लाइनर मई का मैं करवा दूंगा मई मंथ का। उसके बाद जून मंथ का जो है आपको करंट अफेयर करवा दूंगा। तो आप 6th 9th बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीचर्स एग्जामिनेशन, रिक्रूटेड एग्जामिनेशन, उसमें काफी जो है इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस वगैरह जो है उसमें भी पूछा जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको दोनों में देखने को यहाँ से मिलेगा, और आगे और भी पीसीएस में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे ओवरऑल जो है यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इसका जो है पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम ISPCS होम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और जो है जो भी टीचर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वे से जो है प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा जो होगी उसके लिए। और उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सारा अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो है तो और 6th 9th बीपीएससी वाले भी दोनों जुड़ जाइए इस चैनल पे अपनी तैयारी करने के लिए, दोनों सब दोनों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जो एग्जाम पॉइंटर। पहला जो है आप देखिएगा यहाँ पे भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। तो वह आंदोलन, पहला जो इसका स्टेटमेंट है देखते हैं, वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ, तो क्या था, स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू हुआ, 7 अगस्त को शुरू हुआ था 1905 को, और ये जो है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में शुरू हुआ था, अपोजिशन में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन जब किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, अनाउंस किया गया था 19 जुलाई 1905 को, उन्होंने अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को, और जो है 16 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर को जो है उसने ये बंगाल विभाजन को लागू कर दिया था, जिसके इसमें जो है 7 अगस्त 1905 को जो है ये स्वदेशी आंदोलन मनाने का ये कहा किया गया था। तो इस तरह से जो है से बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं मराठा शासक शिवाजी को सलाह देने हेतु तो जिस मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी वह कहलाती थी अष्टप्रधान कहलाती थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसने शुरू किया था सल्तनत काल में, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ये शुरू किया था, PWS। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्पा प्रशस्ति जिस भाषा में उत्कीर्ण है वह है प्राकृत भाषा में है, हाथी गुम्पा जो है वो आपको खारवेल का अभिलेख वहां से प्राप्त होता है, और वहां से जो है कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है। नेक्स्ट तेभागा आंदोलन का संबंध था, तो तेभागा आंदोलन का जो संबंध था वो था किसान आंदोलन से, और ये जो है बंगाल के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था, तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1879 ईस्वी में जो है इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध लड़ा गया था, खतौली का युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था महाराणा सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने परास्त कर दिया था। नेक्स्ट 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग किया था, तो इंडिया नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था, और इसने जो है इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी हिस्टोरिका नाम की पुस्तक इसने लिखी थी हेरोडोटस ने। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में सर्वप्रथम विभाजन किया गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में सर्वप्रथम विभाजन जो है किसमें किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में, और ये किसका ब्राह्मण है, तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय, और कौष्टकीय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त पुस्तक है, तो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा जो है किसको प्राप्त है, तो राज तरंगिणी को, जो कलन के द्वारा रचित है, और इसको इसमें जो है कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनन पहला स्थल जहां से
मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो जहां मालिक और कुत्ता दोनों को दफनाया गया, इसका साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला? तो रोपड़, और ये पंजाब में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीर्थंकर जिनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो यजुर्वेद में किस तीर्थंकर का मिलता है? तो अजितनाथ, और दूसरे तीर्थंकर जो थे अजितनाथ उनका मिलता है, और पहले जो थे ऋषभ देव थे उनका जो है आपको ऋग्वेद में उसके उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और टोटल 24 तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23 में थे, और 24 में जो थे महावीर थे जो 24 में तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति का समान महत्व दिया गया है। तो इस जन्म कर्म और भक्ति को जो है मोक्ष के साधन के रूप में समान महत्व किस किस पुस्तक के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है भगवद गीता में। नेक्स्ट तमिल ग्रंथ जिसमें तीन महाजनपद मगध वत्स एवं अवंती का उल्लेख हुआ है। तो मगध वत्स एवं अवंती का उल्लेख जो है तमिल किस तमिल ग्रंथ में हुआ है? तो वो हुआ है शिल्पा अधिक्रम। शिल्पा अधिक्रम इलैंगो अधिगल ने इस ये पुस्तक लिखा था। मगध वत्स और अवंती का उल्लेख इसमें है। 16 महाजनपद थे जिसमें तीन महाजनपद का ये इसमें उल्लेख है। बिंदुसार के दरबार में मेगस्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? तो डायमेकस आया था, और बिंदुसार ने जो है वहां से अंजीर शराब और एक जो है से फिलोसफर को कहा था भेजने के लिए, जिसमें सीरिया के शासक ने अंजीर और शराब तो भेज दिया लेकिन उसने जो है फिलोसफर को नहीं भेजा था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और वो सेलिकस निकेटर का राजदूत था, और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट है कौश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौश्य शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मुगल काल में काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाए गए मालगुजारी के रुपये को संभालता था। तो काश्तकार जो खजाने में जमा कराने के लिए रुपया लाते थे मालगुजारी रुपया, उसको जो है कौन संभालता था? तो वो संभालता था शिकदार। नेक्स्ट होयसल जिनका मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवारी का पहाड़ी क्षेत्र था संबंधित। तो होयसल राजवंश जो है वो किससे संबंधित था? तो यादव वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह जो है ईरान का जो शासक था, उसने 1739 में जो है भारत में आक्रमण किया। मोहम्मद शाह जो है उस वक्त मुगल शासक दिल्ली के गद्दी पर विराजमान था। नेक्स्ट है परवर्ती पांडे वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। तो परवर्ती पांडे वंश का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कंडुगोन को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है क्या है वंशों का? तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश जो है वो हुआ था, उसके बाद जो है आपको खिलजी वंश, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश, खिजर खां, लोधी वंश, बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सुशर्मा कनव वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या कर दी। तो जिसकी हत्या किसने की थी? तो शातवाहन नरेश जो है सिमुक ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्य अभिषेक किया था। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक किसने किया था? तो गंगाबर जो है ये एक बनारस का पंडित था, ऋषि ने शिवाजी का राज्य अभिषेक किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पहला जो है गवर्नर था फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, और उसके बाद जो है सेकंड गवर्नर अल्फांसो दे अल्बुकर्क था, और उसने ही इसको ही वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का माना जाता है। इसने गोवा जो है जीता था, और उसके बाद 1510 में जो है गोवा जीता था। इसने सती प्रथा वगैरह पे भी रोक लगाया था, और जो है पुर्तगालियों को इनकरेज किया था कि आप जो है हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कला एवं संस्कृति। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में, तो देख लेते हैं। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां किस नृत्य कला से मिलती है? तो ओडिसी की जो है नृत्य ओडिसी नृत्य जो उड़ीसा में होता है वो किससे मिलती है? तो भरतनाट्यम से ये मिलती जुलती है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनपा जनजाति द्वारा किए जाने वाला अति लोकप्रिय नृत्य जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में किया जाता है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा उसको कहते हैं लायन एंड पीकॉक नृत्य। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसका शासनकाल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का युग है, तो जो पेंटिंग जो है से बहुत हाई जेनिथ पे पहुंच गया था, वो किसका शासनकाल था? तो जहांगीर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है वह दो शैलियां जिनके मिलाने से कांगड़ा शैली निर्मित हुई, तो कांगड़ा शैली किसके मिलाने से किसके मिश्रण से जो है निर्मित हुआ था? तो राजस्थानी और मुगल शैली से कांगड़ा शैली निर्मित हुआ।
नेक्स्ट है मधुबनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो मधुबनी शैली या मधुबनी पेंटिंग को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो डब्ल्यू जी आर्चर को। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला में प्राकृतवादी की पश्चिमी संकल्पना के प्राथमिक प्रतिपादक है राजा रवि वर्मा। वह चित्रकला जिसमें जिसके चित्र की पृष्ठभूमि को हमेशा लाल एवं हरे रंग से चित्रित किया जाता था, तो पृष्ठभूमि को जो है उसको हमेशा लाल और हरे रंग से चित्रित किया जाता था, वो कौन सा चित्रकला है, वो है तंजावुर चित्रकला। बाउल गायन का संबंध है बंगाल से। नेक्स्ट है मांडी खोल ढकनी तथा झागोर आदि लोक नृत्य संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है अमरावती मूर्ति कला का संरक्षण प्राप्त था, तो किसका प्राप्त था अमरावती मूर्ति कला को संरक्षण, सात महान राजाओं का। नेक्स्ट है भैरव रागनी को दर्शाती हुई एक चित्रकला का संबंध है बूंदी चित्रकला से। पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है, पांचवें रूप वेद के रूप में किसको जाना जाता है, तो नाट्य शास्त्र को जो है पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। चार वेद है ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, उसके बाद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है अलारिपु जाति स्वरम वर्णम आदि शब्दावली संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के कथक का स्वर्णिम युग रहा अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाए जाने वाली वीणा है कमायचा। नेक्स्ट है पुतली कला की प्राचीनता के संबंध में पहले एवं दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखे गए किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो पुतली कला के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, शिल्पा अधिक्रम संगम साहित्य है इलंगो अधिकल द्वारा ये लिखी गई है। वह स्थल जो अत्यधिक स्तूपों पत्थरों को काटकर निर्मित गुफाओं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व को सातवाहन काल के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है, भोजन कोंडा तथा लिंगला मेता बौद्ध मठ आंध्र प्रदेश में। कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष जो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित किया जाता है, क्या है, नवड़े, नवरोज नहीं नवड़े। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था गुलाम भी था। दक्षिण भारत का वह महान संगीतज्ञ जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में आमंत्रित किया, तो कौन था, तो गोपाल था। मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रचलित चांदी का सिक्का था, तो मोहम्मद तुगलक ने कौन सा चांदी का सिक्का जो है चलाया था, तो अदली, जिसने टोकन करेंसी भी चलाया था। कथकली पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है जिसके दो प्रमुख पात्र होते हैं पाचा यानी नायक तथा केटी राक्षस। नेक्स्ट है भारतीय संगीत की प्रमुख पुस्तक जिसमें कुछ तत्कालीन तकनीक शब्दवालियों का प्रयोग किया गया है, संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित दिल्ली के इंडिया गेट का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तो कब पूरा हुआ इंडिया गेट का निर्माण कार्य, वर्ष 1931 में। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है, संसद द्वारा। अभी कितनी है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक चीफ जस्टिस को मिलाकर। नेक्स्ट राष्ट्रपति के क्षमादान की वह शक्ति जिसके तहत किसी कठोर प्रकृति को दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाता है, इसको कहते हैं लघुकरण या कम्यूट इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता, तो वो है अनुच्छेद 10 में ये वर्णन है, और ये जो है पार्ट 5 में आता है, सिटीजनशिप जो चैप्टर है उसमें आता है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया से जुड़े जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किस अनुसूची में है, शेड्यूल्ड में है, तो पांचवी अनुसूची में है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त व राज्य के लोक सेवा आयुक्त के सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, लेकिन वो जो है ऐसे नहीं हटा सकते हैं, इसमें जो है टू थर्ड मेजोरिटी से जो है पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। वह संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्य का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान है, तो ये सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसके तहत किया गया था। वह अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वव्यवस्था व न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जुडिशियल रिव्यू का जो है पावर देता है, वो कौन सा जो है से अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, तो वो है अनुच्छेद 13 जो है, इसमें क्या होता है जुडिशियल रिव्यू में कोई भी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है लॉ है उसको जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकॉन्सिस्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर रहा है, उसको हनन कर रहा है, तो उसको जो है ये जो है आपको न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायपालिका इसको जो है रद्द कर सकती है उस लॉ को, उस एक्ट को।
देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें उनका साथ दिया था, किसने दिया था? बीपी मेनन ने। भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किसके अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो वो है पहली अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित है समवर्ती सूची में। कहाँ सम्मिलित है? समवर्ती सूची में आपको कंकरेंट लिस्ट में जो है, यह तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग तीन को कहा जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जो है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया, किंतु उसकी भाषा ली गई है, तो भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष 13 अप्रैल को, 13 दिसंबर को जो है 1946 को जो है पेश किया था, और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद कराने का प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर इसे समवर्ती सूची में लाया गया था। पहले जो है स्टेट लिस्ट था एजुकेशन, बाद में जो है कंकरेंट लिस्ट में ला गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था ये संविधान संशोधन अधिनियम। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के अक्षमित निधि से धन निकाला जा सकता है, तो निकाल सकता है कौन? निकाल सकता है अक्षमित निधि से धन, वो निकाल जा सकता है राष्ट्रपति। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन है केटी शाह का। और जो है डीपीएसपी जो है नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णयन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 262। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति तथा एम एन वेंकटचेरिया समिति संबंधित है चुनाव सुधार से, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यता अधिकतम लगाया जा सकता है, 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा जिसमें अध्यक्ष बने थे, बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1892 के अधिनियम द्वारा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का अधिकार लिया गया जर्मनी से। नेक्स्ट है अव्वा क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि में से विश्व की सबसे बड़ी एवं दूसरी लंबी नदी है कौन है? तो अमेजन है। दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण से में स्थित है, तो कौन है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में उरुग्वे। वह महाद्वीप जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप का उपमा दी जाती है, कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्क्टिका महाद्वीप, जहाँ पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है रिसर्च किया जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? तो मल्टी प्रोजेक्ट क्या था स्वतंत्र भारत का? इंडिपेंडेंट इंडिया का, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है ब्राजील के विशाल कहवा मैदानों को कहा जाता है फजेंडा कहा जाता है। अलकनंदा के साथ किस नदी के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी पे स्थित है, 5 प्रयाग है, तो भागीरथी जो है और उसके गंगा बनती है अलकनंदा के साथ। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है रेगुर मृदा, जिसको ब्लैक सॉयल भी कहते हैं, वो है कॉटन के लिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस प्रमुख फसल की किस्म है? अंगूर की किस्म है। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैस्टिजो कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विविध जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है सही क्रम क्या है विविध जिल जो है, तो ओंटारियो, इरी, हिरोन, मिशिगन, सुपीरियर। इसको आप होम्स के नाम से याद कर, HOMES, होम्स नाम से याद करते हैं। एस से हिरोन, ओ से जो है ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर, ये 5 लेक वहां है। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है,
उसे महानगर कहा जाता है, जबकि ऐसे नगर जिनकी कुल नगरीय संकुलन जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो कहलाता है मेगा सिटी। पश्मीना उनकी प्राप्ति बकरी से होता है, इसी प्रकार अंगोरा उनकी प्राप्ति होती है, तो अंगोरा ऊन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, खरगोश से। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा और बड़ा होना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण एवं विषुव तथा उस उपसौर और अपसौर का स्थिति आदि होती है। तो दिन रात वगैरह जो होता है इसका जो है परिवर्तन जो होता है ऋतु परिवर्तन वगैरह, तो किसकी वजह से होता है, पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण के प्रभाव से होता है, रेगुलेशन की वजह से ये होता है। 90 स्टरीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक स्थित है। 90 स्टरीज कहाँ है, हिंद महासागर में है। माजुली द्वीप देश का पहला द्वीपीय जिला है, जबकि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप है। माजुली द्वीप असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यूरेशिया प्लेट का वह खंड जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, तो कौन सा भूखंड है जिसका निर्माण जो हिमालय से पहले हुआ, ट्रांस हिमालय, हिमालय के उधर है उत्तर में। पूर्वांचल पहाड़ियों की उत्तम श्रृंखला जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, मिशमी पहाड़िया। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैगनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट छोड़ दिया था वैगनर ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में, यंग फोल्ड माउंटेन में पाई जाती है। वह जल संधि जो यमन की को जिबूती से अलग करती है, तो कौन सा जल संधि है जो यमन को जिबूती से अलग करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, वो है बाब अल मंदेब जल संधि। चूखा संकोष ताला और मांग देचू जल विद्युत परियोजना चलाई गई जा रही है भूटान में। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है माउंट अबू, और ये एक रेसिडुअल अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है। अब देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, तो किसने किया था इसका प्रतिपादन सबसे पहले, जोसेफ ग्रीनेल ने। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, कहाँ है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, पहला जामनगर गुजरात में, वैसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, कहलाता है हॉटस्पॉट। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैव मंडल रिजर्व रिजर्व। नेक्स्ट है भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात। वह ग्रीन हाउस गैस जिसका निस्रण जुगाली करने वाले पशुओं से होता है, तो किससे होता है, कौन पशु से, मिथेन गैस। मानव गतिविधियां को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिन्ह। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर, ओजोन होल का निर्माण। भारत में मैंग्रोव जौड़ीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा में, ये बंगाल में है, बांग्लादेश में है, और जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आकर मिलती है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। यह वर्ष 2008-09 में अस्तित्व में आया, जिसमें दो अलग अलग रिजर्व को एक साथ मिलाया गया, तथा यहाँ लुप्त प्राय एशियाई जंगली भैंस को प्रजाति पाई जाती है, कौन सा है, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी गई, तथा इसका शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है, किसको, गंगा डॉल्फिन को, जलीय जीव का ये दिया गया इसको मान्यता। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन है, तो महासागरीय ओशन है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है कहाँ है, तो नागपुर में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है तो कब, 12 अगस्त को। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा से मापा जाता है जल प्रदूषण को, जो है वाटर पॉल्यूशन को नापा जाता है। भूतल पर CFC गैसों का स्रोत है स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधन आदि, जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन करता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है या नारा है चिपको आंदोलन का। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है कहाँ, जामनगर गुजरात में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन व ग्रीन हाउस गैसेस संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थिति को टोलते हैं उन्हें कहा जाता है, टालते हैं इफीमिरल।
1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के में जारी एजेंडा 21 में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया प्रदूषण को जो है शामिल किया गया है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन की खपत को मापने के लिए विधि कहलाती है पर्यावरण लेखांकन या हरित लेखांकन। अब अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो क्या था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, हेराल्ड डोमर मॉडल जो था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का ये आधार था। अब पीसी महलानोबिस जो था वो सेकंड। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, वर्ष 1992 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था है नाबार्ड। एंड्रागोगी संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। चक्रिक योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने किया, गुनार मिडाल द्वारा 1978 से 1980 के बीच ये हुआ था जनता जनता पार्टी के सरकार में। वह समिति जो भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी, तो अर्बन एरिया में जो है बीपीएल परिवार की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी तथा एक साथ 5 स्थानों पर बैंक स्थापित किए थे। वह स्थान है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में मालदा। वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय बजट पेश किया, केंद्रीय बजट पेश किया था जॉन मथाई द्वारा। अहस्तक्षेप अर्थात लेसेस फेरे की अवधारणा का प्रतिपादन किया इटली के अर्थशास्त्री सेरा ने, किया था कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा हस्तक्षेप न करे मार्केट में। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रावधान किया गया, कितना पैसा, 35,000 करोड़ रुपए का। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है, डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। भारत में यह पहली बार किया गया 1946 में किया गया था, यह सबसे पहली बार अभी लेटेस्ट हुआ है। 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया है। विदेशी स्थिति विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खातों को कहा जाता है नेस्ट्रो अकाउंट। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलें प्रमुख है ज्वार, बाजरा, मक्का, तीर, मूंगफली एवं अरहर और चावल। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, उसको कहते हैं नगद आरक्षित रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। भारत में ट्रेजरी बिल बेची जाती है आरबीआई द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 में और इसको जो है पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया 2021 में। लाकरा वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति संबंधित है निर्धनता मापने से, पॉवर्टी को जो है मापने से संबंधित है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय है हैदराबाद में। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों पर उधार देता है उसे कहा जाता है तो रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान मिला, किसको मिला है, द हेरिटेज फाउंडेशन में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर को। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में हो गई है 1.97 लाख। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के क्रम में है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान, तो साइंस से क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। नींबू में पाया जाने वाला अमल मुख्यतः होता है तो कौन सा एसिड पाया जाता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो फायर प्रूफ जो क्लोथ बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो सिंदूर जो है वो क्या है तो वह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट, जैव कोशिका का वह भाव जो पावर हाउस कहलाता है तो सेल का वो पार्ट जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा जो है, साल्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव शरीर में, कैल्शियम फॉस्फेट। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है तो ऑर्थोप्लास्टी किसको कहते हैं, कुल्हे को जोड़ का प्रतिस्थापन करना जो है उसको सॉरी दोस्तों, प्रतिस्थापन जो है वो ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है तो पित्त कहाँ निर्माण होता है, बाइल कहाँ, यकृत यानी लीवर में निर्माण होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है, ब्लड क्लॉटिंग में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के। टेस्ला यूनिट संबंधित है, टेस्ला किसका मापक है, यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र का जो है मैग्नेटिक फील्ड का। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, अधिक फैलती है इसी वजह से।
होने वाले कार्य, जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। प्रकाश संश्लेषण हेतु उपस्थित आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन का होना आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया, जबकि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, तो पीरियडिक टेबल सबसे पहले मेंडलीफ ने किया, लेकिन जो है आधुनिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया है, तो मोसले ने। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, तो साउंड एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिणत करता है, तो कौन है, माइक्रोफोन। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक उसको कहते हैं। रिएक्टर जिनमें एक बार नाभिकीय अभिक्रिया शुरू होने के बाद पूर्ण ईंधन की आपूर्ति स्वतः ही होने लगती है, उसको कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। वह पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, जो बौने पौधे को लंबा कर देती है तथा फूल बनने में मदद करती है, उसको कहते हैं जिबरेलिन्स। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अंगूर, इमली तथा केला का प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है, यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है एंटीऑक्साइड के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक खमीर। मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रण का कार्य संपादित किया जाता है, तो मानव शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो करता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होता है, तो बुलेट प्रूफ जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें क्या यूज होता है, पॉलीकार्बोनेट। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो मौसम के बारे में जानते अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं मेट्रियोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है तिरुवंतपुरम में। निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रह सामान्यतः पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर कार्यरत रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है जो उपग्रह सेटेलाइट हम लोग स्थापित करते हैं, उसका जो है कितनी ऊंचाई पर होता है, 200 से 600 किलोमीटर। तो रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत परीक्षित उपग्रह का उद्देश्य था SSLV-3 का परीक्षण करना। रोहिणी 1981 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह था, पहला जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट कौन था, तो एप्पल। लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को जो है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन को जो है, ये उसका उत्पन्न किया जाता है। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। वह दो देश जिनके मध्य संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास अजय वैरियर का आयोजन किया जाता था, अजय वैरियर किस किस के बीच होता है, भारत और यूके के बीच। वह विश्व युद्ध जिसके वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था, तो नागासाकी 1945 में जापान में जो गिराया गया था 9 अगस्त को, तो वो था प्लूटोनियम था, हिरोशिमा पे जो है यूरेनियम था उसमें। शरीर की वह कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, स्टेम कोशिकाएं कहलाती है। वह भारतीय उपग्रह जो टीवी कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता है इनसेट ए। संचार उपग्रह का वह यंत्र जो पृथ्वी से प्राप्त सिग्नल को ग्रहण कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेजता है, उसको ट्रांसपोंडर कहते हैं। मेगा ट्रॉपिक्स उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान एवं जलवायु के अध्ययन हेतु निर्मित उपग्रह है, जो इसरो भारत द्वारा निर्मित किया गया फ्रांस के सहयोग से। इसरो का एक पृथ्वी विषय पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने का क्षमता है, वो भूवन कह रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भारत की प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई नई दिल्ली में यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के द्वारा। सोफिया एटलस एवं वयोमित्र उदाहरण है, तो सोफिया एटलस और वयोमित्र किसका उदाहरण है, ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वाईफाई एक तार रहित नेटवर्किंग तकनीक है, इसमें सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, किस तरह से सूचना ट्रांसफर होता है, इन्फॉर्मेशन रेडियो तरंग के माध्यम से, रेडियो जो है वेव के थ्रू होता है। ठोस प्रणोदक में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ठोस प्रणोदक में जो है ईंधन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो पॉली यूरेथ्रीन या पॉली ब्यूटाडीन का प्रयोग किया जाता है सॉलिड में। इनसेट प्रणाली एक बहुद्देश्य कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो संयुक्त प्रयास है, अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विभाग का ये संयुक्त प्रयास है। आणविक स्तर तक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क में सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास किया गया है ब्लू ब्रेन परियोजना के माध्यम से। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष 2003 में।
अनुवांशिक अभियांत्रिक के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है इंसुलिन है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार किया गया औषधि है इंटरफेरॉन, जो है कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी रोबोट का विकास किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। अब ये कंप्यूटर है, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। खेलकूद को देखेंगे जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड होता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता लक्ष्य सेन ने। अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप में भारत ने हराया श्रीलंका को। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने टेनिस खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया तो सानिया मिर्जा ने घोषणा की है। फीफा फुटबॉल 2021 का पुरस्कार जिस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया गया वो है एलेक्सिया पुटेलस, महिला खिलाड़ी को दिया गया एलेक्सिया पुटेलस को। रानी झांसी ट्रॉफी संबंधित है महिला क्रिकेट से। वह देश जहाँ फीफा द्वारा वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया कतर में, जिसको जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीत लिया था। बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल एसोसिएशन फीवा, जिसकी स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी, मुख्यालय इसका कहाँ है, मीस स्विट्जरलैंड में। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलालंपुर मलेशिया में। शतरंज खेल के चेस बोर्ड में कितने खाने बने होते हैं, तो चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं, 64 होते हैं। टोटल जो है इसमें 204 जो है स्क्वायर होता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का मुख्यालय स्थित है मोनाको मोंटो कार्लो में। ओलंपिक ध्वज का सृजन का श्रेय जाता है बैरोन पियर डे कोवाटिन को। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है, माइकल फिलिप्स 8 स्वर्ण बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था और ये एक स्विमर है। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, गीता सेठ को। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश की अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, इंग्लैंड को। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था, तो विजय कुमार ने। किस खेल की टीम को महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, कॉर्फ बॉल जो है इसमें महिला पुरुष दोनों खेलते हैं और इसमें जो है एक नेट एक ये होता है बास्केट लगा होता है, उसमें बॉल फेंकना होता है, बिना नेट के बास्केट होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, यान मोर्गन। वर्ष 1868 में मार्क्वेस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किस खेल के नियमों को निर्धारण किया गया था, तो बॉक्सिंग। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वह खेल जिसका प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है, तो शतरंज, गैम्बिट क्वीन मूवी भी आई थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं सिरुषि कामनी। फुटबॉल की मिनी विश्व कप कहा जाने वाला यूरो कप 2020 में शामिल टीमों की संख्या है 24। ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट स्टेडियम है मैनचेस्टर ब्रिटेन में। अब विविध ये मिसलेनियस है इसमें देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश हैं बेनेगल रामराव। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में गए थे। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इटली के सिसली द्वीप के उत्तर में स्थित वह सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं कौन सा है, एक्टिव वोल्केनो जिसको जो है लाइट ऑफ द ये मेडिटेरियन सी कहते हैं स्ट्रोम्बोली। पर्युषण पर्व है जैन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने का गौरव प्राप्त है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थी भानु अथैया। भारतीय सैनिक को वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगमाड़ी रोग तथा आलू का शिथिला रोग जीवाणु जनित रोग है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर जो है दूरी का, डिस्टेंस का मात्रक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। रहनुमाई मस्जिदासन सभा के संस्थापक थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 82 मीटर। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो कोविशील्ड कौन इंस्टीट्यूट बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला रानीखेत उत्तराखंड में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया गया, तो EPZ कहाँ स्थापित किया गया, कांडला गुजरात में।
हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे माना है। तो हाइड्रोजन सबसे कम पॉल्यूशन करता है, इसको जो है भविष्य का ईंधन माना गया है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, और जो है उपराष्ट्रपति अभी कौन है, जयदीप धनकर हैं, और ये सभापति हैं। तमाशा महाराष्ट्र के नृत्य नटिका है, इसे विकसित करने का श्रेय जाता है। तमाशा जो है महाराष्ट्र के नृत्य नटिका है, इसको जो है विकसित करने का श्रेय जाता है बंसीधर भट्ट को। तो दोस्तों ये था एग्जाम पॉइंटर जो मई महीने में था, इसको मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।